साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ मरी से वापस लाहौर आने के बाद आजकल जादी उम्रा में काफी मसरूफ दिन गुजार रहे हैं। उनकी जादी उम्रा में ज़राअत पर मुकम्मल तवज्जो है और फिर ट्रैक्टरों की खराबी का मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ फैमिली की जाती उम्रा में 300 एकड़ ज़मीन है, मगर जहां पर रिहाइश है वहां पर ज़रई ज़मीन 100 और 20 एकड़ पर नवाज शरीफ का घर है। कुछ ज़मीनों की देखभाल शरीफ फैमिली खुद करती है जबकि बकिया ज़मीन मियां साहब ने ठेके पर दी हुई है। आजकल नवाज शरीफ की उसी रिहाइशगाह से वाबस्ता ट्रैक्टर खराबी की एक मामले का काफी चर्चा है। कुछ रोज कबल नवाज शरीफ के दो ट्रैक्टर खराब हो गए थे। जाती उम्रा की देखभाल पर मामूर स्टाफ ने साबिक वज़ीर आज़म को ट्रैक्टर के एक मरतबा फिर खराब होने का बताया तो नवाज शरीफ को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आए दिन ट्रैक्टर्स खराब हो रहे हैं, लिहाजा सबकी इंक्वायरी की जाए। इस जमन में साबिक वजीर आजम ने हिदायत दी है कि ड्राइवर से पूछा जाए उसने जब पहले ट्रैक्टर्स ठीक करवाए थे तो उस वक्त कौन कौन सा काम हुआ था और अब क्या खराबी हुई है। जाती उम्रा की देखभाल पर मामूर कमेटी को इस मामले की मुकम्मल जाँच पड़ताल करके सूरत हाल से उन्हें आगाह करने की हिदायत की है। शरीफ खानदान के जराये ने बताया है की नवाज शरीफ इन दिनों अपनी जरई जमीनों पर भी काफी तवज्जो दे रहे हैं और सुबह 8 बजे से अपनी निजी मसरूफियात का आगाज कर देते हैं। वो अपनी रिहायशगाह से मुत्तसिल कुछ एकड़ पर लगाए गए जंगल को साफ करवाने का सोच रहे हैं। इसी तरह बाकी जमीन पर काश्तकारी के हवाले से जमींदारों से मुशावरत की जा रही है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वी न्यूज़.पीके।